So, how children learn socially and emotionally through play and different activities. So, social emotional development is the process of learning skills that we need in order to make and maintain relationships feel good about ourselves and function within society. They social or emotional skills, holistic development kills, boh, body. बच्चे सोशली कितना ओपन है कितना ज़्यादा वो फ्रेंड्स बनाते हैं कितना वो लोगों से बात कर सकते हैं कितना वो एक कम्युनिटी या लर्निंग ग्रुप्स जो हैं, वो क्रिएट करते हैं और इमोशनली कितने स्ट्रॉग हैं बात बात पे मुख्तलिफ तरह के बिहेवियर्स रोना धोना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना बहुत ज़्यादा टॉकटिव हो जाना ये सारी चीज़ें जो हैं ये आहिस्ता आस्ता वक्त के साथ साथ जब बच्चे इंटरेक्ट करते हैं दूसरे बच्चों के साथ और दूसरे कैरेक्टर्स ऑब्जेक्ट्स के साथ तो वो उनकी काफ़ी हद तक कंट्रोल होती हैं हम ये चाहते हैं कि बच्चे जब छोटा सा ग्रुप जो अपना प्ले ग्रुप बनाते हैं तो आपने देखा होगा उसी में वो कोऑपरेशन भी सीखते हैं जैसे टेकिंग टर्न्स बारी लेनी है अब आपकी बारी है अब मेरी बारी है अच्छा कोऑपरेशन है अगर इनमें से एक गिर जाता है तो दूसरा ज़रूर उसकी तरफ वापस लौट के आता है कि भाई तुम्हें क्या हो गया उसको उठाता है एम्पति बनती है उसकी उसके इमोशनस जो हैं वो जनरेट भी होते हैं कंट्रोल भी होते हैं फिर यह कि वो अपने जज्बात पे भी काबू रख सकते हैं कि मुझे अगर गुस्सा आ गया है या मुझे कुछ कोई मसला हो गया है तो मैंने फ़ौरी तौर पर उसका इजहार करना है या नहीं करना या किस हद तक मैं कर सकता हूँ किस हद तक नहीं कर सकता तो ये सारी सिचुएशंस प्ले के दौरान एक होलिस्टिक जो डेवलपमेंट है उसके लिए हेल्पफुल है फिर सम ऑफ समीज कैन बी पिक्ड अप बाय प्रोफेशनल यूजिंग टूल्स सच एज न्यू बोर्न बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन कुछ तो इस तरह की चीज़ें भी हैं हमारी ए, हमारा ऐसा सिस्टम है कि ऑब्ज़र्वेशन के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि हमारा बच्चा सोशली या इमोशनली किस तरह से परफॉर्म करता है सो so हम उनके पोटेंशियल्स को और उनकी डेफिशिएंसीज को बड़े वक्त पे आफ्टर बर्थ ही हम उनको ऑब्ज़र्व uh, भी कर सकते हैं और फिर कुछ हद हाँ तक फिर बाद में कंट्रोल भी कर सकते हैं मसलन कोई बच्चा सारी रात ज़्यादा पैदा होने के बाद ज़्यादा देर रात को जागता है या वो खाने की उसकी हैबिट्स खाने पीने की हैबिट्स ठीक नहीं हैं या इसके अलावा उसकी स्लीप जो है या स्लीप डिस्टर्ब है या कोई और इसका कोई मसला है तो शुरू में उसको जब ऑब्ज़र्व किया जाएगा और उसके जो इंडिकेटर हैं जो नॉर्मल बच्चे के इंडिकेटर होते हैं वो सारे फिलअप किए जाएंगे तो फिर बाद में हम उसको बेहतर तरीक़े से उसकी नशो कर सकते हैं कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे दी हुई हैं जैसे बॉल गेम्स हैं रोल प्ले है बॉल गेम्स का मतलब ये है कि आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बॉल को खेल के लिए इस्तेमाल करते हैं पपट्स इस्तेमाल करते हैं बच्चों को स्टोरी सुना सकते हैं ये सारे बच्चों की सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं मतलब क्योंकि जब आप रोल प्ले कर रहे होते हैं तो जब मैं अब मॉम के करेक्टर में या टीचर के करेक्टर में इमर्स हो गई हूँ तो फिर मुझे उन्हीं की तरह सोचना है उन्हीं की तरह एक्ट करना है मेरे सारे बिहेवियर्स और डिस्पोजिशन उसके मुताबिक होंगे ठीक है और मैंने अगर किसी और थर्ड पर्सन का रोल करना है तो फर्ज करें एक, एक फल बेचने वाले का तो मुझे उसके जो कैरेक्टर्स है उसके अंदर इमर्स होना पड़ेगा जब आप स्टोरी सुनाते हैं तो बच्चे सारा कॉन्टेक्स्ट जो है उसको महसूस कर रहे होते हैं और स्टोरी सुनाते भी इस तरह से हैं कि भाई उसमें से कुछ सवाल भी हम पूछ रहे हैं अच्छा फलां कैरेक्टर ने क्या किया था क्यों किया था जैसे हम फाख्ता की और चूंटी की कहानी सुना रहे हैं कि फाख्ता ने चूंटी की मदद की और चूंटी ने फाख्ता की तो क्यों दोनों ने एक दूसरे की मदद क्यों की क्योंकि माशरा और कम्युनिटी का जो सबक है कि गिव एंड टेक है एक दूसरे की मदद करेगा तो बाद में वो भी उसकी मदद करेगा ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ हैं जो बच्चों को सोशली इमोशनली अवेयर करती हैं कम्युनिटी बिहेवियर से कि उनके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो उनके बारे में कैसे सोचते हैं और उनको क्या ऐसी चीज़ है जिससे वो उनकी एक्सेप्टेंस या कन्फर्मेशन ले सकते हैं कि अपनी कम्युनिटी के अंदर वो बाक़ियों को कैसे उनके साथ मिल के चल सकते हैं फिर इसमें गेम्स और स्पोर्ट्स का भी अमल दखल है तो जितने भी हम ये एक्टिविटीज़ करेंगे हम उनको सोशली और इमोशनली बहुत बेहतर तरीके से उनकी नशोनमुमा कर सकते हैं पपट्स बड़ा इंटरेस्टिंग एक फिनना है uh, अभी आप तस्वीर देख रहे हैं कि इसमें यह होता है कि बच्चा विकैबलरी भी यूज़ कर रहा है बच्चा मूवमेंट भी दे रहा है जिस तरह के मूवमेंट uh, होनी चाहिए मतलब बोल रहा है उसके साथ साथ हाँ या ना लाइक like, डिसलाइक्स को कैसे डिपिक्ट कर रहा है और अपनी लैंग्वेज फिर उस क्वेश्चन आंसर भी हो रहे हैं कुछ स्टोरी टेलिंग भी हो रही है कोई डायलॉग भी हो रहा है और वो चूँकि उसको कंट्रोल कर रहा है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि वो एक बीइंग है और उसको वो कंट्रोल कर रहा है तो सो थिंग्स आर वेरी प्लेजेंट फॉर चिल्ड्रन तो आपने देखना यह है कि किस तरह से हम उनकी सोशल और इमोशनल लर्निंग जो है उसमें मदद दे सकते हैं